पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई और बहनों एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज माता कलीसिया वर्ष का 22वां इतवार मना रही है। पेत्रुस को उस समय बहुत बुरा लगा होगा और दुख का अनुभव हुआ होगा जब यीशु ने उससे कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। वास्तव में यीशु पिता ईश्वर की योजना के अनुसार भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी अपने शिष्यों को दे रहे थे कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, यहूदी नेताओं और शास्त्रियों के हाथों कष्ट झेलना होगा, क्रूस पर मार डाला जाना होगा। इस घटना के कुछ क्षण पहले ही सही उत्तर देने के लिए यीशु ने पेत्रुस की बड़ी वाहवाह की थी, प्रशंसा की थी और उस पर कलीसिया की नींव रखी थी। लेकिन जब यीशु अपने दुख भोग की भविष्यवाणी शिष्यों के सामने व्यक्त करते हैं तो पेत्रुस उसे रोकने की कोशिश करता है। ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। जब हम गलती करते या पाप करते हैं तब हमें कैसा महसूस होता है। नबी यिर्मयाह को बहुत सारी वेदनाएं, कष्ट व अत्याचार सहने पड़े, किंतु उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छी तरह से निभाई। उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया। ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा और संभाले रखा। प्रभु का वचन उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। उनके लिए प्रभु का वचन एक धधकती हुई आग के समान था जो ना कभी बुझाया जा सकता और ना कभी दबाया जा सकता। संत पौलुस रोमियो से अनुरोध करते हैं कि वे इस संसार के अनुकूल नहीं बने बल्कि ईश्वर की संतति होने के नाते सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदलें। आर्च बिशप जे फुल्टन शिन कहते हैं, क्रिस्त का जीवन अद्भुत और असाधारण है क्योंकि उन्होंने अपने धरती और स्वर्ग राज की शर्त अपने दुख भोग और मृत्यु को बनाया। संसार की बुराइयां और पाप उनके साथ जितना व्यवहार कर सकते थे वह सब उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने बुराइयों पर विजय पाई। क्रूस उनके जीवन में हमेशा रहा है। क्रूस की छाया कभी उनसे दूर नहीं हुई है। संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहा है, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। दुल्हे को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसे बुराइयों की शक्तियों से युद्ध करना होगा और फिर वह अपनी वधु को ग्रहण करेगा। उन्हें उत्सव के हर्ष से उपहास के शोक की ओर बढ़ना होगा। जब दुल्हे को आहत कर मार डाला जाएगा, यह उनकी मृत्यु की प्रथम सार्वजनिक घोषणा थी। प्रिय भाई और बहनों एवं मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के मार्ग पर चलना कांटों भरी राह से गुजरना है, परंतु हमें डरने या हारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन।